हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म नूडल्स के साथ। आपने मेरी लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हमने वहां पे दो पॉइंट कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। तो काफी भूख लग रही थी तो हमने फटाफट हमारे नूडल्स और चाय कॉफी ऑर्डर किए और अभी इसको खाते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे महाबलेश्वर के वर्ल्ड फेमस मार्केट में। तो चलते हैं और खाते हैं। सो गाइस, अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, घूमने नहीं, नॉर्मली बाहर जा रहे हैं। और यहाँ के मार्केट के बारे में सुना है कि यहाँ स्ट्रॉबेरी बहुत मिलती है, बहुत फेमस है, तो सोचा चलो देख के आते हैं, क्योंकि हम घूमने आए हैं, रूम में रहने नहीं। तो थोड़ा बाहर जाके देख के आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर उसके बाद आगे की शूटिंग करते हैं। गाइज, अभी हम आ चुके हैं डिनर के लिए और बाहर देख सकते हैं मार्केट में कितनी रौनक हो रही है, और पीछे एक के बाद एक काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें आप खाना पीना खा सकते हैं। तो बट ट्रैफिक भी हो रखा है, बहुत भीड़ हो रखी है मार्केट में, आप देख सकते हो। तो हाँ, बहुत ही भीड़ हो रखी है और ये मार्केट का बीचों बीच वाला एरिया है। आज का जो हमारा दिन था बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत सारी लोकेशन को कवर किया और महाबलेश्वर की ब्यूटी को हमने देखा। रात हो चुकी है, हस्बैंड ऑलरेडी सो चुके हैं तो मैं भी सो रही हूँ, और गुड नाइट, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 8:30, मतलब हम 8 बजे उठे थे, फ्रेश व्रेश हो चुके हैं और हमने पैकिंग भी कम्प्लीट कर ली है। और बाहर मौसम की बात करें तो हमेशा की तरह ठंडा मौसम हो रखा है। सो आज हमें दो पॉइंट कवर करने हैं फटाफट, अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद चेकआउट करके उन लोकेशंस पे जाते हैं, क्योंकि वो हमारे रूट पे पड़ता है। तो हमने डिसाइड किया हम जाते वक्त ही, अभी मतलब जाते वक्त ही फिर उसको देख के जाएंगे। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, रात को नींद बहुत अच्छी आई, क्योंकि अगर आप पूरे दिन टूर कर रहे हो तो उसके बाद रात की जो नींद आती है बहुत ही अच्छी आती है। और बिस्तर में जाती है मैं, मतलब दोनों को ही नींद आ रही थी, फिर तो वही नींद खुल रही। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो फटाफट जाके तो वो करके आते हैं। अभी चलना है यहाँ से महाबलेश्वर की, यहीं रुकना है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मन कर रहा है रहने का। ठीक है, यहीं तू यहीं रह जा, मैं जाता हूँ। तुम नहीं खा रहे ब्रेड बटर? खा रहा हूँ। खाओ ना, तो कॉफी भी ठंडी हो रही, खा लो। सो गाइज, अभी हमने चेकआउट कर लिया है, लोकेशन मैप कर रहे हैं मोबाइल पे, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो हमने हेलमेट और सब कुछ पहन लिया, रेनकोट। 11 किलोमीटर मैप्रो। अच्छा, तो अभी हम पहली लोकेशन जा रहे हैं मैप्रो, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? टेबल लैंड जाएंगे उसके बाद। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, हम आ चुके हैं मैप्रो गार्डन। ये रहे हस्बैंड। मैप्रो क्या मालूम, बहुत बड़ा ब्रांड है मैप्रो का। तो ये ज्यादातर मतलब फोटो खिंचाने के लिए ही है बेसिकली, यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह होती है। मैप्रो का है, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो चलो देखते हैं क्या है मैप्रो गार्डन में, जो इतना फेमस है, इसका रीजन क्या है। ये वो है, आ जाओ ना इसके अंदर, चलते शेल्टर के अंदर। मैप्रो का सामान था, मैप्रो के जूस होते हैं, जैम होते हैं, हाँ सब अवेलेबल है यहाँ पे, आप परचेज करना कर सकते हैं। चलो आते हुए देखेंगे, अगर कुछ लेना होगा तो। Thank you.
गाइस आई थिंक पीछे जो आप देख रहे हो खेत, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है तो बट अभी सीजन नहीं है, माइट भी लगा रखा होगा उन्होंने स्ट्रॉबेरी, बट अभी बाद में होगा ना इसका सीजन, कब होता है पता नहीं। यहाँ फूड कोर्ट वगैरह भी है सामने। हाँ ये देखिए फूड कोर्ट, खाने पीने का रेस्टोरेंट टाइप का। सो ये है यहाँ का ओपन किचन, जो भी है सामने बनेगा, सही है ना। तो ये है पीछे का गार्डन। बेसिकली मैप्रो में मुझे कुछ खास ऐसा तो दिखा नहीं, तो थोड़ा गार्डन वार्डन है और आपको हाँ शॉपिंग के पर्पज से अगर मैप्रो का कोई सामान आपको खरीदना है तो वो आप खरीद सकते हैं। बाकी अब इस लोकेशन से हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। सो गाइज अभी हम इस लोकेशन से निकल रहे हैं और अभी हम जो जा रहे हैं कौन सी लोकेशन है, टेबल लैंड जा रहे हैं, जो कि हमारा 8.4 किलोमीटर है, मतलब हम 18 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे तो प्रॉपर शॉपिंग एंड ऑल के लिए है और तो कुछ खास तो है नहीं, वैसे सामान कैरी करने की जगह है। हाँ बैग भी क्योंकि हमने अपने उसमें रख रखे हैं तो हम तो अभी कुछ खरीद नहीं रहे। अब हम जा रहे हैं यहाँ इस लोकेशन को से बाय बाय करके नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, तो चलो चलते हैं। सो गाइज अभी हम क्या नाम है टेबल लैंड की तरफ जा रहे थे बट हमें बीच पे का पॉइंट मिला है जो कि है पारसी पॉइंट। तो चलो एक बार देख लेते हैं वो भी क्या है। अच्छा ये वही तो नहीं है मुझे हमें इतना दूर से दिख रही थी कल। हाँ वही तो है मुझे लेक से दिख रही थी। बस 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 वही है, वही बिल्कुल सही समझे, वो जो देखा था ये वही है। है ना कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना वो देखो प्यारा सामने लेक। तो वही वाला कल वाला है केबल लैंड भी जाएंगे आप। सो गाइज हमने ये लेक का भी व्यू ले लिया है और सारे पार्टसी पॉइंट पे सारे हमने व्यू देख लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, टेबल एंड की तरफ, तो चलो चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं टेबल लैंड की तरफ। सो फाइनली वी आर इन टेबल लैंड। टेबल लैंड क्यों नाम है पता है इसका? नहीं बिल्कुल एकदम सीधी एकदम फ्लैट है, आगे देखेंगे ना बादल भी हटेंगे ना। हाँ तब पता लगेगा तुम्हें। नहीं देखो ये तो पीछे पड़ गए थे, ऐसे होता है और क्या भाई। बस थोड़ा सा उस साइड को आ जाओगे आप। चल गिरा गिरा